हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सिमल आइडियल्स। मैक्सिमल आइडियल क्या होते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा आइडियल क्या होता है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आइडियल्स क्या होते हैं, रिंग्स, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए कि आइडियल्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आर एक रिंग है, जैसे ग्रुप होता था जी, जी के पास नॉर्मल सब ग्रुप्स होते थे, ऐसे आर के पास क्या होते हैं, आइडियल्स होते हैं। आइडियल्स क्या होती हैं, स्पेशल टाइप की सब रिंग्स होती हैं, ओके। और वो सब रिंग्स होती हैं तो इसका मतलब वो रिंग की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। आई अगर एक आइडियल है तो ए आर आर ए किससे बिलोंग करता है, आई से बिलोंग करता है, दो एलिमेंट है उनका, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। तो ये हम आइडियल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल सेट से कैसे जनरेट होते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब आता है मैक्सिमल आइडियल, ओके। एन आइडियल, कोई भी एक आपका आइडियल है एम ऑफ आर रिंग आर। डेफिनेशन बनाना बहुत ही सिंपल होता है, देखिए, एन आइडियल एम ऑफ आर रिंग आर इज सेट टू बी मैक्सिमल आइडियल, इज सेट टू बी क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमल आइडियल। व्हेन, कब बोलेंगे हम उसको कि वो मैक्सिमल आइडियल है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमल मीन्स सबसे बड़ा, ओके। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल के सच दैट एम इज कंटेन्ड इन के एंड के इज कंटेन्ड इन आर, मतलब कि आर का जो सबसे बड़ा आइडियल क्या होना चाहिए, आर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए बीच में एक के जो इनके बीच में आ रहा हो, एम और आर के बीच में। तो ऐसा जो आइडियल होगा एम, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीन्स देयर मस्ट नॉट बी एनी आइडियल ऑफ आर, ओके, विच प्रॉपरली कंटेन्स एम, प्रॉपरली जो एम को कंटेन करता हो, एंड इज कंटेन्ड इन आर, एंड इज कंटेन्ड इन, जो आर में प्रॉपरली कंटेन्ड हो या फिर एम को कंटेन करता हो, ऐसा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे आइडियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं, ओके। इस बात को हम लिखेंगे कैसे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन एम एंड आर, ओके। इफ एम इज कंटेन्ड इन के एंड के इज कंटेन्ड इन आर, अगर ऐसा है देन आइदर के इज इक्वल टू एम, या तो के एम के इक्वल होगा या के किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इसका मतलब एम, व्हाट इज एम, एम इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो ये होती है मैक्सिमल आइडियल, मीन सबसे बड़ा आइडियल। किसी भी रिंग का जो सबसे बड़ा आइडियल है, बहुत सारे आइडियल्स हैं, बट जो सबसे बड़ा आइडियल है वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। जैसे कि Z एक रिंग है, ओके, 2Z इसका एक आइडियल है, 3Z इसका एक आइडियल है, 4Z आइडियल है, ओके। तो जो 2Z आइडियल है वो क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 2Z और Z के बीच में कोई भी आइडियल नहीं है। बट अगर हम बात करें 3, अगर आप ले लीजिए एक 6Z ले लीजिए, एक 3Z ले लीजिए, 3Z भी क्या है, Z का आइडियल है, और ये भी क्या है, Z का आइडियल है, बट 6Z कंटेन्ड है 3Z में, 3Z क्या है, कंटेन्ड है, इसका सबसेट है, और ये क्या है, इसका आइडियल है, 6Z 3Z का है। तो हम ये बोलेंगे कि 6Z इज नॉट मैक्सिमल, बट 3Z क्या है, मैक्सिमल है। तो अगर किसी भी Z के किसी भी आइडियल के बीच में कोई और आइडियल नहीं है, तो वो आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल होगा, ओके। तो ये हुआ कि मैक्सिमल आइडियल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू प्राइम आइडियल्स, ओके, लेट्स कम प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल क्या होता है, एन आइडियल P नॉट इक्वल टू R, किसी रिंग का एक आइडियल है P, इज सेट टू बी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल। उसको हम प्राइम आइडियल कब बोलते हैं, क्या कंडीशन होती है उसकी, इफ दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो पी में है, दिस इंप्लाइज आइदर
ए पी में होगा और बी पी में होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो तो आइडियल में होता है, बट उनमें से जिन भी दो एलिमेंट्स का वो प्रोडक्ट है वो आइडियल्स पी में, वो नंबर्स पी में नहीं होते, तो उस केस में हम उस आइडियल को प्राइम आइडियल नहीं बोलते, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, इफ इन अदर वर्ड्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू एलिमेंट्स इज इन पी बट देन आइदर ए और बी, या देन व्हाट विल बी सेव, देन वन ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ द टू नंबर्स मस्ट बी इन इंक्लूडेड इन पी। अगर ऐसा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे आइडियल को हम क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि 2z इज अ प्राइम आइडियल ऑफ z, 2z क्या होता है, प्राइम आइडियल ऑफ z, बट 4z की अगर हम बात करें, ये प्राइम आइडियल z का इज नॉट प्राइम आइडियल। व्हाई इट इज नॉट प्राइम आइडियल, देखिए 4z में अब 6.2 belongs to 4z, but 6 does not belongs to 4z, 6 4z में नहीं होता और 2 भी 4z में नहीं होता, तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो 4z में है बट one of these element is not in 4z, that means ये प्राइम आइडियल नहीं है। इन फैक्ट जो z होता है, z में जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर से जो एलिमेंट्स, जो आइडियल्स जनरेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम आइडियल्स। जैसे कि 2z वाला, 3z, 5z, 7z, ऑल दीज आइडियल्स आर प्राइम आइडियल्स। तो इन इस वीडियो में आज हमने क्या पढ़ा कि प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं और मैक्सिमल आइडियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।